क्या हाल चाल है सब? बढ़िया आप सबका। चलिए आज शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक है शॉर्ट जनरेटेड कैप्सूल। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 और फिफ्थ सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि शॉर्ट जनरेटेड कैप्सूल क्या होते हैं, कैसे कैसे बने होते हैं और उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या उसका कंपोजिशन होता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, कैसे हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आपने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाने के बारे में पढ़ा था, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या सिंपल सा था। उसमें क्या होता था भैया, एक हमारे पास कैप्सूल होता था हार्ड जिलेटिन सेल का, ये होता था कैप और ये होता था बॉडी। हम क्या करते थे, कैप और बॉडी को अलग कर लेते थे और बॉडी में हम मेडिसिन भरते थे, फिर कैप को बंद कर देते थे, काम हो जाता था। लेकिन जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, इसमें कहीं भी कैप बॉडी या ओपन होने का कोई चांस नहीं है। इसमें एक जिलेटिन की लेयर होती है जिसके अंदर हमारा ड्रग जो है वो भरा होता है, ये ड्रग या मेडिकामेंट है और ऊपर जिलेटिन की लेयर होती है। अब इसमें कैसे हम खोल के भरेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, देखिए इससे पहले वाले में आप ये देखिए फर्क क्या है, पहले आप फर्क समझिए। पहले वाले में हम जिलेटिन की जो कवरिंग थी, सेल थी, उसको अलग बनाते थे और फिलिंग अलग करते थे। यानी पहले से इसको बना लेते थे, जब ये बन के तैयार होता फिर इसके अंदर इसमें हम फिलिंग करते थे। सॉफ्ट जिलेटिन केस में क्या थोड़ा सा अलग है, इसमें जिलेटिन की कवरिंग और फिलिंग दोनों साथ साथ होती है। आई रिपीट अगेन कि इसमें जिलेटिन की कवरिंग और ड्रग का भरना दोनों साथ साथ होता है, जबकि इस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एक बार आपने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन सेल और फिर आपने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से, ठीक है। यानी कैप्सूल से अलग बनाया था और फिलिंग अलग किया था। इस बार फिलिंग भी एक साथ होनी है और क्या होना है, ड्रग भी एक साथ भरना है और जिलेटिन लेयर भी एक साथ भरनी है। यानी दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, इसीलिए प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टीडियस है और इसीलिए इसके लिए बहुत बड़े मशीन की सेटअप की जरूरत होती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कैसे बनेगा। दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूँ कि डायग्राम आपको बनाना रहेगा। एक सिंपल सा आपके पास एक रोलर होगा, ठीक है, इस तरह से करके एक रोलर होगा जिसमें ये डाइस बने होंगे। ये डाइस क्या है, ये मतलब इस तरह से जो चारों तरफ आपको दिख रहा है कैविटी के हिसाब से डाइस बने हुए हैं। ये रोलर रबर रन करता है, उसी तरह से एक रोलर आपको दूसरी साइड पे लगा मिलेगा और इसके ऊपर भी इस तरह से डाइस बने होते हैं, ठीक है, ये दूसरा रोलर। अब क्या होता है दोस्तों, इसके कैसे हम लोग काम करते हैं, यहां पे दो हॉपर सेट होते हैं, एक हॉपर यहां पे सेट है, एक हॉपर यहां पे सेट है, जिसमें जिलेटिन का सोल्यूशन भरते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या रहेगा, जिलेटिन। जब ये जिलेटिन क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता है या ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता है तो, और ये रोलर लगातार चलता रहता है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, जब जिलेटिन की लेयर चिपकती है और घूमती है तो सूख करके एक रिबन की तरह फीते के समान बन जाता है। यानी आप समझिए यहाँ पे चारों तरफ, अगर मैं आपसे कहूँ इस कलर में, तो ये जो आपको लेयर दिख रहा है इस तरह से, एक्चुअल में ये जो लेयर है ये जिलेटिन की एक रिबन की तरह लेयर है, यहां भी बन जाती है, यहां भी बन जाती है। यानी जब ये रोलर चलेगा तो इसके डाई के ऊपर इस तरह से जिलेटिन की लेयर बन जाती है, एक फीते की समान, जैसे फीता होता है लंबा से, जैसे जैसे चलता रहेगा गिरता रहेगा। और एक बड़ा सा फ्रेंड हॉपर यहां होता है, जिस हॉपर में हमारा फिलिंग मटेरियल होता है, थोड़ा सा सही से बनाइएगा, ठीक है, एक हॉपर यहां है जिसमें हमारा जो इंग्रेडिएंट है, यानी जो हमारा फिलिंग मटेरियल है, जो हमारा ड्रग है जिसको हमको भरना है, वो फिलिंग मटेरियल हम यहां पे भरते हैं और ये फिलिंग मटेरियल यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे गिरता है। तो क्या होता है कि एक सेट फिट होता है, तो ये वाला रोलर और ये वाला रोलर आपस में जब इस तरह से जुड़ता है, दोस्तों देखो ये रोलर जब आपस में करीब आएंगे तो ये वाला लेयर और ये वाला लेयर आपस में जुड़ेगा और इसके अंदर जो ड्रग ऑलरेडी आ चुका है वो फिल हो जाएगा और फिल होने के बाद ये इस तरह से नीचे की ओर गिरने लगता है। आप बात समझ पा रहे हैं कि क्या है, दो अलग अलग रोलर है, उस रोलर के ऊपर डाई बने हुए हैं जिसमें कैविटीज होती हैं और जिलेटिन की जब लेयर सोल्यूशन जब इसमें गिरता है और ये रोटेट करता है तो ये सूख करके एक पतली सी रिबन की तरह, धागे की तरह रिबन बन जाता है, एक फ्लैट चपटा सा।
और उधर दोनों तरफ से ऊपर से जब ड्रग गिरता है तो ये ड्रग इन दोनों कैविटीज के बीच में जब आता है तो ये दोनों कैविटीज आपस में जुड़ के सील हो जाती है और जो ड्रग इसके अंदर भर चुका है वो इसके अंदर भर जाता है और इस तरह से पिलेट्स बन बन के ये नीचे की तरफ गिरता रहता है। इस सिंपल सी मैन्युफैक्चरिंग। यानी अब हम अगर हम बात करें इसके थ्योरी पोर्शन की तो जब भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बनेगा तो दो चीजें हमको एक साथ चाहिए। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको दो फॉर्मुलेशन चाहिए। पहले वाले में सिर्फ एक चाहिए था क्या, आपके पाउडर फिलिंग मटेरियल। अब यहाँ पर दो चाहिए, एक जिलेटिन सेल का मटेरियल चाहिए और दूसरा फिलिंग मटेरियल चाहिए। यानी जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का फ्रेंड्स तो हमको दो चीजें चाहिए, एक जिलेटिन मटेरियल चाहिए और एक फिलिंग मटेरियल चाहिए। तो जिलेटिन सेल मटेरियल एंड फिलिंग मटेरियल। जिलेटिन सेल मटेरियल मैंने आपको बताया था कल क्लास में क्या क्या होते हैं। बेसिकली जिलेटिन होता है, वाटर होता है, प्लास्टिसाइजर होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल या सॉर्बिटॉल होते हैं और प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं जैसे कि बेसिकली बीटा नेफ्थॉल खास करके ज्यादातर यूज होता है किसके, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के केस। तो ये चीज है, इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे गर्मा गर्म और वो सोल्यूशन इन दोनों हॉपर में भर देंगे और जब मशीन ऑन करेंगे तो हॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये सोल्यूशन गिरेगा और ये लेयर की तरफ घूमेगा तो एक पतली सी सूखी सी चपटी सी फीते की तरह एक पट्टी बन जाएगी और उस पट्टी चारों तरफ इसके लगी रहेगी। दूसरी बात करेंगे फिलिंग मटेरियल की। तो फिलिंग मटेरियल फ्रेंड इसमें जो हम यूज करते हैं वो तीन तरीके का यूज कर सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें हम सेमी सॉलिड लिक्विड ऑयली कई नेचर के ड्रग यूज करते हैं, दे आर वर्सेटाइल इन नेचर। दैट्स व्हाई यहां पे हम फिलिंग मटेरियल तीन तरह का यूज कर सकते हैं, एक नीट सोल्यूशन, एक नीट सब्सटेंस। नीट अगर जो लोग एल्कोहल दारू पीते होंगे आप लोगों ने नाम सुना होगा, लोग कहते हैं यार नीट पी लिया। नीट का मतलब अक्सर लोग शराब में पानी मिला के पीते हैं, सोडा मिला के पीते हैं, तो वो जो बिना पानी सोडा के डायरेक्ट शराब पी जाए उसे नीट कहते हैं। तो नीट सोल्यूशन सब्सटेंस का मतलब है कि उस एक्टिव मेडिकामेंट के साथ कुछ भी नहीं मिलाया गया, ना कोई सॉल्वेंट ना कुछ, ना कुछ भी नहीं मिलाया गया, वो नीट। नीट कब होता है, जैसे कि हम मछली का तेल, सॉल्ट लीवर आयल, कॉड लीवर आयल, विटामिन ए विटामिन ई, इन सब का जब कैप्सूल बनाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिलाते हैं एक्स्ट्रा वाटर या ऑयल, इसलिए इसको नीट सब्सटेंस बोलते हैं। एक तो पहला हो सकता है नीट, इसके अंदर हम नीट भर ले जैसे विटामिन ए कैप्सूल विटामिन ई कैप्सूल भर। दूसरा होता है सोल्यूशन, यानी कि जो इसके अंदर मटेरियल हम भर रहे हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए तो उसको सोल्यूशन बना के भरे। और सोल्यूशन बनाने के लिए चाहिए एक हमको सॉल्वेंट चाहिए, बेसिकली सॉल्वेंट का यूज करते हैं सोयाबीन ऑयल के रूप में। बाकी हमको डाइमेथिल आइसोसर्बाइड चाहिए, सर्फैक्टेंट चाहिए होता है, ग्लिसरीन चाहिए होता है एज ए पेस्टिसाइजर और पीईजी पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल प्रोपाइलीन इथाइलीन ग्लाइकोल पेग चाहिए होता है जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करे। यानी हम सोल्यूशन के फॉर्म में जब भरेंगे तो हमको ये सब मटेरियल भरना होगा। और तीसरा तरीका है सस्पेंशन के फॉर्म में, भाई नीट भी भर सकते हैं सोल्यूशन भर सकते हैं और अगर ड्रग हमारा आपके सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है तो हम सस्पेंशन के रूप में भी मटेरियल को फिल कर सकते हैं। और सस्पेंशन आपको पता है कैसे 30% करीब सॉल्यूट और 70% सॉल्वेंट के केस में वो रेशियो होना चाहिए। तो ये एक मोटा मोटी बात हो गई कि कैसे हम बनाते हैं और क्या इसको हम करते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारी हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इसमें क्या लिखेंगे फ्रेंड कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बिकॉज इन दिस मेथड द सॉफ्ट जिलेटिन सेल एंड द फिलिंग मटेरियल आर फिल्ड आर मतलब कि साइमल्टेनियसली हम दोनों क्या करते हैं साथ साथ फिल करते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली फॉर मेकिंग द for making the soft gelatin capsule we need two type of material, one is gelatin cell material and other is filling material. So that is why gelatin cell material. So gelatin cell material composition contains, you pehle dekha tha, it contains gelatin, it contains water, it contains plasticizer like glycerol and sorbitol and it also contains preservative like beta naphthol. ठीक है, ये हम सिंपल से लिखेंगे। फिर डालिएगा हेडिंग फिलिंग मटेरियल, ठीक है। तो फिलिंग मटेरियल क्या होता है कि द फिलिंग मटेरियल या द मेडिकामेंट द एपीआई व्हिच कैन बी फिल्ड इनसाइड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैन बी इन थ्री फॉर्म। फर्स्ट ऑफ पहला नंबर है नीट सब्सटेंस, दूसरा है सोल्यूशन सोल्यूशन फॉर्म एंड थर्ड है सस्पेंशन फॉर्म। तो पहला रखेंगे नीट सब्सटेंस, इसमें क्या लिखेगा कि व्हेन द मटेरियल इज विटामिन ए विटामिन ई सॉल्ट लिवर ऑयल cord liver oil, then these materials do not require any kind of base, so they are added in neat form. दूसरी heading है solution, when the drug is soluble in oily nature or water nature, then the medicament is prepared in the solution form. The solution form requires as a soybean oil as a base. Next point, they contain dimethyl isosorbide as a surfactant.
they contain glycerol as a plasticizer and they also contain porphyrin ethylene glycol as a solubility enhancer because they increase the solubility. And tisra and kaolin is suspension, and when the drug is not soluble in the oil or base, then we use the suspension form, and this contains 30-70% ratio of the solute in the solvent. ये simple सा तरीका है. अब हम डालेंगे agent, method of preparation कैसे बनाएंगे. First of all, set the two rollers, ठीक है, and two rollers and fill the hoppers with the gelatin solution and set up a large hopper of filling material between the two rollers. ठीक है, now start the machine. When the gelatin layer is comes into the roller, then after rotating and drying, it converts into the seed of the gelatin. ठीक है, seed of the gelatin. And when the filling material grows comes downward, then the it included inside the two seeds of the gelatin layer, and after sealing, they convert into the pellet form. ठीक है, ये पिलेट फॉर्म में, यानी कि एक देखा जाए गोले सर्कल के फॉर्म में ये रिमूव बाहर जाएंगे. ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है, करीब आप देखें तो 20,000 से 25,000 कैप्सूल एक घंटे में हम बना सकते हैं, ये इस मशीन की कैपेसिटी होती है. ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ दिस सॉब्जेक्टिव फिलिंग मशीन इज अबाउट 20-25,000 कैप्सूल पर आवर. ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है, मैंने बताया कैसे सॉल्वेंट कैप्सूल को बनाते हैं, क्या क्या इसे मटेरियल चाहिए होता है, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट चाहिए होता है. अब हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि इसका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है, सॉल्वेंट कैप्सूल का क्या क्या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, इसको जान लेते हैं. बात करेंगे इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की. देखिए, बात करेंगे फार्मास्यूटिकल की क्योंकि हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं, वैसे इसका बहुत वाइड रोल है. आजकल काफी ज्यादा इसके अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं इस फॉर्म में. तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे कुछ पॉइंट्स हैं, गिनती के 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, हेडिंग है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन. पहला पॉइंट है ओरल डोजेस फॉर्म. ठीक है, देखिए ये आपका एक यूनिट डोजेस फॉर्म के रूप में अवेलेबल होता है, जैसे कि आपने कैप्सूल खाते हैं, हार्ट जिलेटिन आप टैबलेट खाते हैं, तो ये एक ओरल डोजेस फॉर्म होता है जो वेटरनरी और ह्यूमंस दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है. आसानी से इसको लेने में इजी टू टेक होता है, इजी टू स्वेलो होता है. तो पहला एप्लीकेशन है कि इट इज अवेलेबल इन ओरल यूनिट डोजेस फॉर्म एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन एंड वेटरनरी डोजेस फॉर्म. ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी टू टेक एंड इजी टू स्वेलो. ओके, दूसरा है लाइक सपोजिटरी. देखिए, आप जानते हैं कि सपोजिटरी क्या होता है. सपोजिटरी आपने पढ़ा था, आप याद होगा थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, जनरल फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर में था, उसमें पढ़ा था. सपोजिटरी क्या होता है, कौन से होता है जो कि हमारी बॉडी की कैविटीज में इंसर्ट करते हैं, वहां जाकर मेल्ट होता है और ड्रग को रिलीज करता है. तो सपोजिटरी की तरह जो आपका ये सॉल्वेंट कैप्सूल है, ये भी सॉल्वेंट की तरह हम अलग अलग कैविटीज में यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम आपसे बात करें, जैसे कि वेजाइनल कैविटी है, ठीक है, रेक्टल कैविटी है, ठीक है, इसके साथ साथ हम ओरल या हम बोल सकते हैं ऑटिक है, यानी कि ईयर के लिए है, ठीक है, नेजल है. तो अलग अलग लोकल एप्लीकेशन के लिए भी हम सपोजिटरी की तरह इसको यूज कर सकते हैं. वाले वेजाइना है या रेक्टल है, कहीं पे भी लोकल प्रॉब्लम है, इंफेक्शन है, तो ये जो हमारा जे कैप्सूल होता है उसको वहां पे इंसर्ट करेंगे कोन की तरह, और वहां पे जाके टेम्परेचर पा करके वो मेल्ट हो जाता है लेयर, और ड्रग रिलीज होता है और लोकल एक्शन प्रोवाइड कर सकता है. तो सेकेंड पॉइंट ये है कि different different formulations of soft gelatin capsule can also be used as a suppository. Like suppository, they are used as a vaginal, rectal, otic and nasal cavities for local action. Okay, the layer of gelatin is melt at room at body temperature and drug release into the local action. स्पेशल तीसरा प्रॉपर्टी ऐसी है कि स्पेशल पैकेज है ना, ये कभी कभी ये मार्केट में अलग अलग स्पेशल पैकेज के फॉर्म में भी आते हैं, जैसे कि ट्यूब के फॉर्म में आते हैं. जैसे आपने कभी पेंसिलिन देखा होगा, आपने कभी यूज किया होगा, पेंसिलिन क्या होता है, इसे होता है, ठीक है, इसके अंदर ड्रग भरी होती है, आप इसको अपर लेयर काटते हैं और इसको पुच से करके पूरा इसको अपनी आंख में निकाल के लगा लेते हैं. तो ये स्पेशल केस में भी, यानी पैकेजिंग में भी आता है, ट्यूब फॉर्म में आता है, इसमें ड्रग भरी होती है और उस ड्रग को रिलीज करके हम कहीं पर भी लोकली अप्लाई कर सकते हैं. ये इसका तीसरा एप्लीकेशन है. तो क्या लिखेंगे, इट इज अवेलेबल इन द स्पेशल पैकेज फॉर्म लाइक अ ट्यूब व्हेन एंड आफ्टर कोलैप्सिंग विद ड्रग इज रिमूव्ड, अ मेडिकामेंट इज रिलीज्ड एंड यूज्ड फॉर द लोकल एक्शन. ठीक है, इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में देखिए भैया बहुत बड़ा रोल है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो चुका है. धीरे धीरे आपके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं, लेकिन फैशन आपको चाहिए, मेकअप आपको करना जरूरी है. तो अगर आपकी सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो शादी मत करना भैया, नहीं तो फंस जाओगे, बड़ा खर्चा है. तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि आजकल देखते हैं कैप्सूल्स के फॉर्म में कुछ फॉर्मुलेशन आते हैं. जैसे पहले क्या होता था, लड़कियां क्रीम निकालती थी, डिब्बा खोलती थी, क्रीम निकालती थी, ट्यूब से निकालती थी, चेहरे में चपोड़ लेती थी. अब क्या होते हैं कैप्सूल्स आते हैं,
बड़े फैशनेबल हो गए भैया कैप्सूल, उसको आपने एक कैप्सूल निकाला, उसको पिंच किया, निकाला और पूरे चेहरे में लगा लिया, हाथ पे लगा लिया। तो अब जो भी फॉर्मुलेशन है ना बड़े एडवांस हो गए, वो कैप्सूल के फॉर्म में आने लगे। तो कैप्सूल ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ऑयल हो गया, क्रीम्स हो गया, जेल्स हो गए, ये सब जो हेयर ऑयल्स हो गए, हेयर जेल्स हो गए, वो क्या होते हैं सॉफ्ट जेलेटिन पैकिंग में भी आने लगे हैं। ये फार्मास्यूटिकल के साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज है। अगला है प्रिसाइज डोजेस एक्यूरेसी, यानी इसमें बहुत अच्छा ये है कि प्रिसाइज है, छोटा सा है, एक्यूरेट है, डोज में वेट वेरिएशन चांसेस कम है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हार्ट जेलेटिन कैप्सूल में वेट वेरिएशन चांसेस ज्यादा होते हैं, इनमें वेट वेरिएशन के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, ये प्रिसाइज है, डोजेस एक्यूरेसी होती है। और क्या आप इसको लिख सकते हैं कि इट हैज प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी ऑफ डोज एट द चांसेस ऑफ वेट वेरिएशन इज लेस देन हार्ट जेलेटिन कैप्सूल। इनहांस स्टेबिलिटी भी होता है, उसमें जो ड्रग है ऑलरेडी ऑयल बेस्ड में है, तो ऑयल क्या होता है आज प्रिजर्वेटिव काम करता है, तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम कम होती है, इसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है। इट हैज अ गुड एनहांस स्टेबिलिटी इफेक्ट ड्यू टू यूज ऑफ ऑयल बेस्ड। ठीक है, अब इस टॉपिक में एक टॉपिक रह जाता है कि क्या कहते हैं उसको, इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, इवेल्युएशन या इसको हम कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है, अगली हेडिंग है इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। देखिए इवेल्युएशन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप जैसे बताया था कि जो आपने बना दिया मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ये कितना सही बना है। तो उसमें जो जो इवेल्युएशन टेस्ट आपने बना था हार्ट जेलेटिन कैप्सूल में क्या क्या था, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट है ना, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, एक्यूरेसी, ऐसे ये सारा कुछ बिल्कुल सेम लिखना है। इसमें एक टेस्ट बढ़ा लीजिएगा, मॉइस्चर टेस्ट। ठीक है, मॉइस्चर टेस्ट यानी कि इसमें क्या होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। बाकी सारा टेस्ट एज इट इज सेम है, तो इसको बार बार एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम कहानी, सेम फंडामेंटल, सेम तरीके से आप वहां पे देख के ले सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट नंबर 3 जो कैप्सूल चल रहा था उस पे दो चैप्टर हो गया है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। एक चैप्टर और रह गया, चैप्टर नंबर 3 पिलेट्स के बारे में हम जानेंगे। तो अगली क्लास जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो हम लोग बात करेंगे पिलेट्स की। पिलेट्स क्या होते हैं, सामने होमोपैथी मेडिसिन खाई, छोटे दाने होते हैं गोले गोले, तो पिलेट्स के फॉर्म में भी दवाइयां आती हैं। तो उस पिलेट्स को पढ़ करके दो क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 को खत्म करेंगे, फिर यूनिट नंबर 4 की तरफ वो करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।